आज की डेट में तो सीन सारे घर पे आपके हाथ में होते हैं किस निकाल दो चीजें तो <laughs> जितने भी आ, इंटीमेट सीन्स हुए हमारे सेकेंड डे में हुए तब तक तो हम, हम हमारे एक दूसरे से बातें भी नहीं हुई तो आप सोच सकते हैं मतलब हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है और इतने इंटीमेट सीन कर रहे हैं सिद्दीकी हाय, दिस इज बाग और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा नवाज भाई ये आपको ऐसा ऐसा आपको नहीं लगता कि कहीं कहीं ना कही जो एक सेक्स को लेके जो एक जो, जो मानसिकता है कि दैट यू नो ये कुछ एक गलत चीज है कि अगर आप इसको पोर्ट्रे करेंगे तो ये कुछ एक मतलब इवन किसिंग जो है उसके अंदर भी आप मतलब ये है कि आप

पॉपुलेशन है हुँ. तो कुछ ना कुछ तो हिंदुस्तान में हो रहा है कि पब्लिक जो है वो आ रही है सामने ज़्यादा जाद ज़्यादा आ रही है मतलब ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ इसको कहते हैं कि दैट कहाँ हो कैसे रहा है कि दैट अपने आप से मतलब जो पनपते जा रहे हैं इतने सारे लोग पॉपुलेशन होती जा रही है वी फाइन रिडिकलस कि दैट इस तरीके का जो एक जिस जिस मुल्क में खजुराव रहा हो या फिर काम रहा हो उसमें इस तरीके की एक जो मानसिकता डेवलप होती जा रही है कि दैट यार दिस इज़ समथिंग विच इज़ रॉन्ग दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन नॉट पोट्री दिस इज समथिंग दैट यू कैन इवन टॉक अबाउट इट दिस इज नॉट राइट एब्सलुटली आप अगर देखें कि हमारी जो कल्चर इतनी एडवांस थी उस वक्त पे जब भास कालिदास उनके जब प्लेज होते थे आ, वो जब प्ले लिखते थे और वो इतने इतनी कमाल की चीज़ें होती थी इतना इतना मतलब आज मॉडर्न सोसाइटी में भी उस तरीके से प्ले प्ले नहीं लिख सकते प्ले राइट्स इतने बड़े बड़े प्ले राइट होते थे जिसमें कालिदास थे जिसने जिनका शक्ुन तलम मेघ दूत इस तरह के प्लेस थे उसमें उन्होंने जो प्यार को जिस तरीके से डिस्क्राइब किया डिस्क्राइब किया है वो आज आई थिंक आज के राइटर भी नहीं लिख सकते हमारे तो पाँच साल पे पुरानी कल्चर है इतना एडवांस थे हम लोग तो लाइक और आज की डेट में ये है कि हर आ, हर एक आदमी के पास एक छोटा सा मोबाइल फोन है जिसमें पूरी दुनिया होती है उसको क्या देखना वो रोज़ देखता है वो फिल्मों में फिल्में इसलिए नहीं देखना देखने के लिए जाता आज की डेट में कि इसमें कुछ जैसे हम एक टाइम था हमारे टाइम पर जब मोबाइल वोबाइल नहीं था तो भाई इसमें सीन वीन है क्या हम तब देखने जाते थे बिल्कुल आज की डेट में तो सीन सारे घर पे आपके हाथ में होते हैं आराम से डेटा भी है सस्ता है तो ऐसे ऐसी ऐसी कंडीशन में आपके ये सीन कट कर दो या इसमें से जो है बीस परसेंट अस्सी परसेंट किस्त निकाल दो बीस परसेंट रहने दो तो ये अजीब बहुत ही अजीब सी हैं ये चीज़ें right. इनसे लोगों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आज की डेट में लोग लो कंटेंट देखना चाहते हैं नई चीज़ देखना चाहते हैं नयापन देखना चाहते हैं hmm. नहीं फ्रैंकली स्पीकिंग बर्फानी जिसके ऊपर आई थिंक मेरे ख्याल खास्यन लोग को ऑब्जेक्शन हुआ मुझे एक्जैक्टली exactly पता नहीं कौन कौन से सीस में उनका है लेकिन इनफैक्ट जिस दिन गाना रिलीज हुआ है तो अरमान का हम लोगों ने इंटरव्यू कर रहे थे एंड वो बहुत Uh, उन्होंने गाया भी हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत गाना है आई थिंक इट्स अ very वेरी नाइस इट्स very वेरी नाइस वेल और uh, मतलब अगर मोहब्बत को आप जिस तरीके से दर्शाया गया है तो आई थिंक अगर इस तरीके से नहीं तरी कैसे करेंगे तो फिर कैसे करेंगे वो भी थोड़ा डिफिकल्ट fathom है मे भी हाँ थोड़ा सा जो प्रेजेंटेशन है थोड़ा सा मुख्तलफ है डिफरेंट है तो जो भी है लेकिन ये कि एक ऑर्गेनिक है कहीं ये नहीं है किसी तरीके से कोई और अंग्रेजी पिक्चरों में यूरोपियन पिक्चरों में इससे कहीं ज्यादा hmm. so exactly, अगर फॉर एग्जाम्पल रिवर्सिबल फिल्म बनाना चाहूँ जिसमें आई थिंक मिनट का एक जगह पे 15 मिनट तक रेप रेप है उसके बहुत ही वायलेंट और बहुत ही वायलेंट है लेकिन वहाँ से पिक्चर वो शुरू होती है और उसके बाद इर, एर, एर, वो क्रॉनिकल नहीं शुरू होती है दूसरे तेज तो वो पिक्चर तो उस तरह के कंटेंट तो हमें बना ही नहीं सकते जबकि हमारे इस वक्त पर कंट्री में आपने देखा किस तरीके से रेप हो रहे हैं ये वो, वो उस फिल्म को देखने देखने के बाद आदमी बिल्कुल सन्न हो जाता है कि यार ये बहुत ही गलत है बहुत ही ऐसा नहीं होना चाहिए तो हम इस तरह की फिल्में बना ही नहीं सकते हम अपने यहाँ पर तो Hmm. ताकि उसका जो एक इंसान लाइक फॉर एग्जाम्पल बैंडेड क्वीन में बैंडेड क्वीन में एक कुएँ से पानी भरने जा रही है वो भरने जा रही है और चारों तरफ उसके लोग खड़े हुए हैं और दो दो, दो दस बारह जो लोग हैं चल कुएँ से पानी भर के रहा। आप वो पानी भर के आ रही बिल्कुल न्यूड है उसको नहीं देख रहे बल्कि आपके जहन में एक इमिजिएटली एक एट द सेम टाइम एक सवाल उठ रहा है कि ये गलत हो रहा है ये का हाँ, ये गलत गलत किया है कर रहे हैं वो न्यूड जा रही लेकिन कोई उसको देख ही नहीं रहा है लेकिन एट द सेम टाइम आपके आपको प्रोवोक कर रहा है कि समथिंग इज़ रॉन्ग तो ये ये चीज़ें आज की डेट में हम बना ही नहीं सकते तो इसलिए बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे वही चीज़ें बनती रहेंगी फिर और वही करप्शन ये वो सारी चीज़ें जो है सोसाइटी में चलती रहेंगी hmm. कहीं ना कहीं ऑफकोर्स कहीं ना कहीं आपको जो फिल्म होती हैं कहीं ना कहीं हर फिल्म में ये होता है चाहे कुछ भी कैसी भी फिल्म हो उसका एंड में ज़रूर होता है कि भाई इसने गलत काम किया इसकी सज़ा मिली आपसे एब्सोल्युटली बिल्कुल नहीं वो कॉन्टेक्स्ट जो एक संदर्भ है तो संदर्भ को भूल के कहीं ना कहीं जो भी है एक सर्टेन चीज़ों को ऑब्जर्व करने में मतलब लग जाते हैं और फिर ये कि बस दिस इज़ राइट दिस इज रॉन्ग और वो एक जो इनफैक्ट मॉरलिस्टिक है वो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग वो मैं एक न्यूज़ चैनल पर भी देख रहा था एक इसी के बारे में कुछ डिबेट डिबेटेट थी तो उसमें यह था कि सब उसमें जो एंकर ने जिक्र किया कि खजरा का भी उन्होंने जिक्र किया तो बोले खजरा वॉज अ डिकेडेंट एरा Uh, subramanian swami said that it's, it was the most decadent era of in, india so that's like a, we, how can you debate uh, beyond that if you have something something of that that sort mm. of uh, thinking actually okay but did you have personally any any apprehensions uh, uh, while doing say for example whatever uh, the way it is portrayed in in barfani apparently chitrangada singh was supposed to be there before you uh, she she operated out so did you have any apprehensions uh, initially i had apprehensions mm. बिफोर रीडिंग द स्क्रिप्ट आफ्टर रीडिंग द स्क्रिप्ट ऑल माई कंफ्यूजन व्लियर बिकॉज इट्स अ वेरी very नाइस स्क्रिप्ट एंड हाउ कुड समबडी लिव अ स्क्रिप्ट लाइक दिस मुझे बहुत अच्छा लगा स्क्रिप्ट पढ़ के और uh, मैं पहुंच गई सेट पे मेरा एक क्विक ऑडिशन हुआ सेम डे मैं फाइनल हो गई और mm. मैं पहुंच गई uh, डायरेक्ट सेट पे उत्तर प्रदेश पे uh, तो मैं जब पहली बार इनसे मिली <laughs> Uh, I was, uh, dressed like a mochi. एक गंदी सी साड़ी पहना दी गई मेरा स्किन टोन डार्क कर दिया गया एक खोपचे में बिठा दिए बहुत <laughs> बहुत सारे गंदे पुराने शूज थे बास आ रही थी और मैं देख रही हूँ दूर से ये चश्मा लगा के आ रहे हैं दैट्स आवर फर्स्ट मीटिंग एंड जितने भी इंटीमेट में ना बास बास नहीं नहीं, नहीं, नहीं आ, 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 और जितने भी इंटीमेट सीन्स हुए हमारे सेकेंड डे में हुए hmm. तब तक तो हम हम हमारे एक दूसरे से बातें भी नहीं हुई तो आप सोच सकते हैं मतलब हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं hmm. और इतने इंटीमेट सीन कर रहे हैं पर वही एज एन एक्टर वही चैलेंज है आप जिसे जानते नहीं हो uh, पर फिल्म के लिए आप उसके साथ इतने इंटीमेट सीन्स और इतने डिफिकल्ट सीन्स कर रहे हो दैट वाज द चैलेंज एंड डायरेक्टर ही इज सुपर

बहुत सारे फिल्म मेकर्स थे बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली सुधीर मिश्रा साहब से कब तक बोलते बिल्कुल रहे बिल्कुल मिश्रा साहब ने भी बहुत अच्छा तक बोला और उनका भी एक बहुत अच्छा मुझे सुधीर साहब का एक वो बहुत अच्छा लगा कि जब उन्होंने कहा था कि, कि, कि एक सर्टन टाइप की पिक्चरें बनाने के लिए कहा जा रहा है हमें क्योंकि वैरायटी होनी चाहिए ना सिनेमा में बहुत वैरायटीज होनी चाहिए हर तरह का सिनेमा बनना चाहिए फिल्में बननी चाहिए